तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूट इंडिया के स्टॉक के बारे में। डिस्ट्रीब्यूट इंडिया के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगा था। पहले स्टॉक के लिए अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था हमको यहाँ पर स्टॉक में हायर हाई हाई और लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिली। हालांकि अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर हमको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 3.36% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 17.50 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा दैन यहाँ हमको स्टॉक में 19, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 20, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया दैन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 22, और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में फिर अगेन 24, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 27 और 30 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 16.30 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा दैन यहाँ हमको स्टॉक 15.25 एंड दैन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 14.25 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट टाइप का सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।